अभी कुछ दिन पहले चीन से एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई थी और खबर ये कि चीन में कोरोना की तरह एक खतरनाक बीमारी फैल रही है। इस बीमारी से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। WHO की माने तो इन बच्चों में सांस संबंधी और निमोनिया से संबंधित बीमारी का पता चला है। हालांकि इसके लक्षण निमोनिया से भी अलग है। बच्चों में तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और फ्लू की समस्या देखने को मिल रही है। इस बीमारी के सामने आते ही WHO भी एक्टिव हो गया है। WHO ने कहा कि वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ WHO ने चीन को भी इसकी सख्त निगरानी करने और हर जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि चीन इस बीमारी से संबंधित कोई नई जानकारी साझा करता है या नहीं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसी बीच अमेरिका से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका के लोग अपनी सरकार से कह रहे हैं कि अमेरिकी सरकार चीन के साथ फ्लाइट्स बंद करे, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि कोरोना की तरह चीन की ये बीमारी भी अमेरिका में फैल सकती है। अमेरिका ने कोविड के समय चीन के साथ ट्रेवल बैन करने में देरी की थी, जिसके चलते अमेरिका में लाखों लोग मौत के शिकार हो गए थे। इसके अलावा अमेरिकन लोगों का ये भी कहना है कि चीन में इस समय ना तो कोई वर्ल्ड मीडिया एक्टिव है और ना ही यहाँ का सोशल मीडिया फ्री है। इसके चलते चीन से इस बीमारी को लेकर कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोविड-19 के समय भी चीन ने इससे संबंधित जानकारी छुपाई थी, जिसके चलते पूरी दुनिया में लगभग 77 करोड़ कोविड के केस देखने को मिले थे और लगभग 70 लाख लोग इस महामारी से मारे गए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की दुनिया के साथ जानकारी साझा न करना कितना घातक हो सकता है।